एक सवाल शेयर मार्केट के ताल्लुक से है कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना जायज है या नहीं, और शेयर मार्केट में कोई कंपनी जायज प्रोडक्ट्स की खरीदो फरोख करती हो तो क्या इस कंपनी से शेयर खरीद सकते हैं या फरोख कर सकते हैं? देखिए, अगर शेयर कंपनी कोई नाजायज कारोबार करती है तब तो कभी भी नाजायज है वो, उसमें शेयर लेना, मसलन शराब बेचना, खिंजीर बेचना वगैरह वगैरह, मुसलमान के लिए कभी भी हलाल नहीं है। चाहे शेयर के तौर पर खरीदे बेचे या निजी तौर पर खरीदे बेचे, वो तो कभी हलाल नहीं है। हलाल होने की अगर गुंजाइश हो सकती है तो उसी वक्त हो सकती है जब कंपनी हलाल कारोबार करे। हराम कारोबार तो कभी भी हराम है, और हलाल कारोबार भी, हलाल चीजों का कारोबार भी अगर शेयर कंपनी करती है तो तहकीक ये है कि वो नाजायज है हमारे मजहब इस्लाम के नुक्ते नजर से। हम इसे मुख्तसरन आपको समझाएंगे। शेयर ये दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर में ये होता है कि शेयरदार जितने भी होते हैं सब नफा और नुकसान दोनों में बराबर के शरीक होते हैं। तो इस्लाम में ऐसे इक्विटी शेयर को शिरकत ऐनान कहा जाता है, और शिरकत ऐनान इस्लाम में जायज है और इसका जायज होना हदीसों से साबित है। अगर बात यहीं तक होती तो हम खुले दिल से इसकी इजाजत देते, क्योंकि इस्लामी कानून किताबें इसकी इजाजत देती हैं, सरकार की हदीसें इसकी इजाजत देती हैं। मगर एक कदम और आगे बढ़िए तो दूसरा शेयर है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर हकीकत में शेयर नहीं होता है, इसका नाम तो शेयर का है मगर हकीकत में मामला कर्ज और सूद का है। मसलन किसी शख्स ने 10,000 रुपए प्रेफरेंस शेयर के लिए दिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसने कंपनी को 10,000 रुपए कर्ज दिए, और आज ही से उसको यह मालूम है कि एक साल पर 10,000 रुपए पर उसको 10% नफा मिलकर साल में 11,000 रुपए मिलेंगे। कंपनी को नफा होगा तो भी 11,000, नुकसान होगा तो भी 11,000, कंपनी डूब जाएगी तो भी 11,000। तो ये इसके लिए नफा ही नफा है, नुकसान कभी भी इसका नहीं है। दरिया को अपनी मौज की तुगयानियों से काम, कश्ती किसी की पार हो कि दरमिया रहे, इससे उसको कोई मतलब नहीं है कि कंपनी, शेयर कंपनी की कश्ती रास्ते ही में डूब जा रही है, फंस जा रही है या आगे निकल रही है, कोई मतलब नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसको उसका नफा मिलना चाहिए 1,000 रुपया, इसका अपना उल्लू सीधा रहे। तो इसको कंपनी वाले कहते हैं प्रेफरेंस शेयर, तरजीह शेयर। हकीकत में ये शेयर नहीं है, हकीकत में ये क्या है, 10,000 रुपए मसलन कर्ज देना है और उस 10,000 रुपए पर 1,000 के नफे के साथ या 1,000 के सूद के साथ 11,000 रुपए साल में लेना है। तो ये सूद और कर्ज का मामला है जो हराम और गुनाह है। इस्लाम कभी इसकी इजाजत नहीं देता, कुरान ने इसी सूद को हराम में कतई करार दिया है, और सारे उलमा इस्लाम इस सूद को हराम में कतई करार देते हैं, गुनाह कबीरा करार देते हैं, और इसकी मजम्मत में बहुत सी हदीसें आई हैं। अब थोड़ा सा आप इस पर गौर करें कि प्रेफरेंस शेयर वालों से ये कर्ज कौन लेता है और उनको सूद कौन देता है। तो देखिए, जितने शेयर होल्डर होते हैं इक्विटी शेयर के, जितने शेयर होल्डर होते हैं वही लोग हकीकत में कंपनी के मालिकान होते हैं, और इन्हीं का नुमाइंदा कर्ज लेता है, उन्हीं का नुमाइंदा सबसे पहले हिसाब करके कर्ज अदा कर देता है नफे से, और कर्ज से नफे के साथ सूद अदा करता है, और सूद अदा करने बाद जो बचता है वो इन मालिकान को मिलता है। तो अगर से कर्ज लेता है सारे इक्विटी शेयरदारों का नुमाइंदा और सूद अदा करता है सारे इक्विटी शेयरदारों का नुमाइंदा, मगर इनकी इजाजत से लेता है और देता है, और उसी नफे से देता और लेता है जो नफा तिजारत से इनके माल से हुआ है, तो
तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर 1,00,000 लोग शेयर इक्विटी शेयर वाले हैं तो 1,50,000 लोगों ने वो सूद वो कर्ज लिया है और इन सारे लोगों ने वो सूद दिया है। तो चूंकि इक्विटी शेयर के लिए अब एक लाजिम हो गया है, जरूरी हो गया है कर्ज लेना और उस पर सूद अदा करना, इसके बगैर इक्विटी शेयर वाले शेयर बाजार में शेयर कंपनी में इक्विटी शेयर का कारोबार कर ही नहीं सकते, बच ही नहीं सकते हैं। इसलिए अब इक्विटी शेयर लेना भी हराम और गुनाह है, जैसा कि प्रेफरेंस शेयर लेना हराम और गुनाह है। और मुतलकन कहा जाता है कि मुसलमान शेयर कंपनी से बचे और हलाल कारोबार को अपनाएं। हलाल कारोबार अपनाएंगे थोड़ा नफा होगा, बरकत बहुत ज्यादा होगी। हराम कारोबार अपनाएंगे नफा बहुत होगा और एक दिन वो डूब जाएगा, बरकत कुछ नहीं होगी।